आज एक पेशेंट के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। पेशेंट का नाम है नकोशी, यानी नहीं चाहने वाली, लोग चाहते नहीं ऐसी लड़की। वो लड़की को जब लाया मेरे पास में तो उसको मतलब पागलपन के लक्षण, अपना ख्याल बराबर रखती नहीं, बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाएंगी, माँ बाप के ऊपर बहुत आवाज़ करके कसेंगी अपना रुबाब, या कभी फिर बाहर चले जाएंगे तो घर में आएंगी नहीं। और उसको मतलब ऐसा था कि एक ही बॉय टाइप, मतलब ही मैन टाइप उसका ये था, जैसा स्टाउट एंड स्ट्रांग टाइप इसका उसका बिहेवियर। और पिताजी उसके साथ में, जब मैंने हिस्ट्री, पिताजी उसके साथ में बात नहीं कर रहे, उसका ऐसा बिहेवियर है करके पूछा, तो उसका एक भाई था, भाई है जो छोटा है, और वो बहुत ही बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है और बहुत ही नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये लड़की पढ़ाई नहीं करेगी, बड़े मुश्किल से उसको पढ़ाई के लिए बोला तो फिर बैठेंगी या नहीं बैठेंगी, और फिर उसको बाकी इधर उधर टाइम पास मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, मतलब ऐसा टाइम पास करेंगी और वो अपना ही लगाएंगी, पढ़ाई बिल्कुल ही करेंगी नहीं। और फिर बाद में उसको ये पागलपन के लक्षण चालू हो गए। मैं पूछा कि भाई हुआ कैसे, एक घर में दोनों बच्चे, एक बच्चा लड़का बहुत ही अच्छा, लड़की का क्या हुआ ऐसा। तो जब मैं पूछते गया, हम हिस्ट्री टेकिंग लेते ना, पूरी हिस्ट्री निकालते, जब उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली तो मालूम पड़ा कि जब इसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तब उस समय सोनोग्राफी अलाउड थी, और सोनोग्राफी में उनको बताया गया था डॉक्टर ने कि भाई ये लड़की होने वाली है। अब जब उनको मालूम पड़ा लड़की होने वाली, वो सातवें महीने में मालूम पड़ा, और उसके जो पिताजी थे बोले अपने को लड़की होना नहीं, पहली लड़की, माँ बोले मुझे लड़की होना, पिताजी बोले लड़की होना नहीं। और वो द्विधा मनस्थिति में जब वो लड़की पैदा हुई तो उसके पिताजी ने उसका चेहरा देखने से भी मना कर दिया, पहले से उसका मतलब नहीं मेरे को लड़की होना ही नहीं, ऐसे ही था उसका। अब उसका नाम भी देखो क्या रखा है, नकोशी, नकोशी यानी मतलब हमको नहीं होना, हो ऐसे मराठी में बोलते नकोशी, अरे नहीं होना हमको, नाम भी उसका नकोशी, नहीं होना। अब उसका, उसके पिताजी उसका वो लाड़ प्यार कभी किया नहीं, उस पिताजी ने उसको अपनी बेटी माना ही नहीं, मेरे को होना ही नहीं था, ये हुई कैसे। और उसके ऊपर गुस्सा करना, उसके ऊपर रुबाब कसना, उसने जो चाहा वो देने का नहीं। 2 साल बाद में फिर प्रेगनेंसी माँ की आ गई और उसमें उनको लड़का हो गया, लड़का बहुत लाडला प्यारा, उसको जो चाहे वो दे रहे, उसको जो भी चाहे वो मिलता था, और बहुत ही नॉर्मल उसका बिहेवियर बाद में हो गया। अब ये जो लड़की है वो नकोशी करके, उसको तो देखो क्या होता है कि जब उसके पिताजी खुद ऐसा बोलते हैं कि मेरे को लड़की होना ही नहीं है, और उसके साथ में उनका बर्ताव कि मैंने, मेरे को बात भी नहीं करनी है, तो पहले से उनका ऐसा, मेरे को बात भी नहीं करनी, मेरे को उसका मुंह भी देखने का नहीं, देखो उसके उसके ऊपर संस्कार कैसे हो गए। संस्कार ऐसे हो रहे कि भाई पिताजी चाहते नहीं है मेरे को, ये घर में मैं अनवांटेड है, नकोशी इसका मतलब अनवांटेड है, चाहिए नहीं है, और फिर चाहिए नहीं है तो फिर मैं क्या करूं ताकि मेरे ऊपर लोगों का ख्याल जाएगा, मैं क्या करूं कि लोग मेरे मुझे एक्नॉलेज करेंगे या मेरी मतलब नोन रखेंगे कि मैं हूं ये घर में, नहीं चाहिए ना तो फिर मैं हूं ये मैं कैसा बताऊंगी। और फिर वो लाइक ह्यूमन टाइप या बॉयश उसका, उसका बिहेवियर, उसका चलना, उसका बोलना कि मेरे को लड़की नहीं होनी थी, नहीं चाहिए थी ना घर में, तो मैंने लड़के जैसे रहना है। और फिर एरोगेंसी, उल्टा पुल्टा बोलना, और फिर किसी का मानने का नहीं, पिताजी तो बात भी नहीं कर रहे उसके साथ में, बोलते मेरे को होनी नहीं थी लड़की, ऐसी हो गई। और उसको मालूम था कि मेरे को, मैं नहीं मतलब मेरा जन्म नहीं चाहते थे पिताजी, और मैं यहाँ जन्म ये घर में आई, और फिर जो प्रॉब्लम हो गई, और बाद में फिर आखिरी वो मानसिक रुग्ण करके मेरे यहाँ आ गई। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब माँ बाप इस तरह से बच्चों को बड़ा करते, परवरिश करते हैं, तो एक ही घर में रहने वाले एक लड़का और एक लड़की, लड़की नहीं चाहिए, और उसके ऊपर देखो कैसा संस्कार हो जाता है, मैं घर में नहीं चाहने वाली हूँ, अनवांटेड हूँ, और उसके मन में वो बैठ रहा है, वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रही, जब हिस्ट्री लिया तो मालूम पड़ा ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगी, एरोगेंट बिहेवियर करेगी, बॉयश टाइप रहेगी, तो उनको तो प्रॉब्लम ही था कि इसको बड़ा कैसे करना। पिताजी बोले मैं बात नहीं करूँगा, माँ उसको बोलने गई तो फिर माँ का मानेंगे नहीं, और पिताजी बोले मैं इसके लिए तो क्या, मैं कुछ मतलब खुद खर्चा भी कुछ करने को तैयार नहीं, पिताजी उसके एक रुपया भी मैं खर्चा करूँगा, तो माँ कुछ पैसे पिताजी से चुराएंगी, बाजू में रखेंगी, और उसका खर्चा वगैरह खुद, जैसा कि भाई मैंने कमाया ऐसा बता के वो खर्चा लड़की का करेंगी, जो भी उसको ड्रेस चाहिए, जो भी किताबें चाहिए वो माँ करेगी, पिताजी तो देखने को तैयार है, एक ही घर में रह रहे। देखो अब ये सब ऐसा जब कर रहे हैं तब उसकी हालत, मानसिक स्थिति कैसी कैसी बन सकती है देखिए, और बाद में उसका परिणाम जो है वो साइकोसिस में हो गया, मानसिक रुग्ण बन गई। मेरा ये कहना है कि भाई अभी हमारा जमाना ऐसा है कि कोई लड़का लड़की का कोई मतलब ऐसा फर्क होता नहीं है, लड़का और लड़की बराबरी क्या है, वो पुराने जमाना मतलब पुराना जमाना गया हुआ है,
पुराने इसमें रहते नहीं नहीं हमारे वंश का युवा लड़का ही चाहिए, अभी ऐसा कुछ नहीं रहा है। मैं आपको पूछता हूँ कि भाई आपके परदादा का नाम क्या है, तो आपको भी मालूम नहीं रहता। मतलब अपने दादा जो है ना उनके दादा का नाम समझो, उनके पिताजी के पिताजी का नाम, मतलब फोर्थ जनरेशन जो है ऊपर की, आपकी ऊपर की फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन का नाम भी लोगों को मालूम नहीं रहता। क्या फर्क पड़ रहा है कि लड़का हो रहा है कि लड़की हो रही है। हम क्या करते कि नहीं लड़का ही चाहिए, ये जो जिद है उसके पीछे फिर लोगों का जीवन खराब कर रहे हैं। अच्छा फिर वो पिताजी को भी अच्छा लगता था क्या? नहीं, वो भी धीरे 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 बोले पिछले साल भर में, मतलब वो माँ मेरे पास में आती है बोलती है कि पिछले साल भर में ये जो मेरे हस्बैंड है इनका बिहेवियर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हरदम लड़की नहीं चाहिए लड़की नहीं चाहिए, अभी भी दिमाग में इतने साल के बाद में है। और जब इतने साल के बाद में है तो फिर खुद को उनको गिल्टी लग रहा है, उनको मालूम था कि मैंने जो करना चाहिए परवेश में नहीं कर रहा हूं, और उसमें उनकी भी मानसिक स्थिति खराब हो गई और दो पेशेंट एक घर में बन गए। तो ये देखिए कि ये हम जो दिमाग में रखते हैं उससे हमारा परिवार का स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता जाता है। तो ये जो जिद है वो लोगों ने छोड़ देना चाहिए। लड़का लड़की सब शरीके हैं, सब समान है, इसमें पेशेंट बन जाते हैं लोग, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, और फिर वो नहीं होना, लड़की लड़की नहीं चाहिए उसमें पेशेंट बन जाते हैं और सब परिवार दुखी हो जाता है। ये वीडियो आप सभी लोगों को शेयर करो, आपके दोस्तों को जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको तो बस लड़का ही चाहिए, वंश का देवा चाहिए, ऐसा वैसा जो बोलने वाले उनको, ताकि उनको ये पता चलेगा कि नहीं भाई लड़का हो या लड़की वंश का देवा कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि लड़का ही चाहिए करके। थैंक यू वेरी मच।